राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फेंग शुई में कुछ चीजों को रखने का विशेष महत्व होता है। जैसे फेंग शुई में प्लांट है, जैसे जेड प्लांट है, स्टैचूज है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आप एलिफेंट का स्टैचू अपने घर में रखते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं। जी हाँ, हर कोई व्यक्ति अपने घर में सजावट का सामान तो रखता है, लेकिन उस सजावट के सामान में आप अपने घर में एलिफेंट का स्टैचू रखते हैं तो वो बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। फेंग शुई में हाथी के स्टैचू को रखने की बहुत ही मान्यता है और लोग वार अपने घरों में एलिफेंट का स्टैचू रखते हुए वो बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। हमारे घर के लिए एक पॉजिटिव, हमारा घर का जो एनवायरमेंट है उसको पॉजिटिव बनाए रखता है और एक पॉजिटिव वाइब्स हमें मिलती है यदि हम घर में एलिफेंट का स्टैचू रखते हैं। देखिए, जंगल का राजा भले ही शेर हो, लेकिन जब भी वन्य जीवों की बात होती है उसमें गजराज का जिक्र ना आए ऐसा संभव नहीं है। हाथी का महत्व आज से नहीं बल्कि पुरातन काल से चला आ रहा है। ना सिर्फ हिंदू बल्कि बौद्ध धर्म में हाथी को एक पवित्र जीव माना गया है। वर्तमान समय की बात करें तो हाथी का महत्व सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में हाथी की सवारी करते देखना उच्च पद प्रतिष्ठा मिलने का संकेत होता है। इसी तरह फेंग शुई में भी हाथी का अत्यधिक महत्व बताया गया है। फेंग शुई में घर में हाथी की मूर्ति रखना बहुत शुभ बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या लाभ होते हैं। भिन्न भिन्न जगह पर रखने से इसके अनेक फायदे होते हैं। यदि आप एलिफेंट के स्टैचू घर के भिन्न भिन्न जगहों पर रखते हैं, चाहे डाइनिंग रूम में रखते हो, चाहे लिविंग रूम में रखते हो, चाहे बेडरूम में रखते हो, उसके अलग अलग आपको उसके जो फायदे होते हैं वो होते हैं। देखिए, फेंग शुई के अनुसार इसका संबंध इच्छा शक्ति, दीर्घायु, संतान प्राप्ति, बौद्धिक क्षमता और प्रतिष्ठा से होता है। इतना ही नहीं, इसे सामर्थ्य, सफलता और सौभाग्य देवी भी माना गया है। एक साथ इतने शुभ फल देने के कारण ये घर में हाथी की मूर्ति रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। फेंग शुई हाथी किस धातु से निर्मित है, इसका प्रभाव भी इससे मिलने वाले परिणामों पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर का प्रत्येक हिस्सा अपनी दिशा के अनुसार अलग अलग प्रभाव देता है। इसी तरह फेंग शुई हाथी को भी घर के जिस भाग में स्थापित किया जाता है यह उस दिशा की सकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी करता है। ये सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है। एक हमारी बॉडी को, हमारे घर परिवार को, हमारे परिवेश को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। फेंग शुई हाथी का सुरक्षा की दृष्टि से विशेष महत्व होता है। एक हाथी की मूर्ति को अथवा हाथी की जोड़े की मूर्ति को मुख्य द्वार पर रखना संपूर्ण परिवार के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों, महलों या किलों में आपने देखा होगा कि आपको एलिफेंट के स्टैचू मिल जाएंगे। दरवाजों पर, मेन द्वार पर आपको एलिफेंट के स्टैचू मिलेंगे, क्योंकि ये शुभ होते हैं और एक पॉजिटिविटी बनाए रखते हैं। इन्हें बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए इनको घरों में बाहर या दरवाजे पर रखा जाता है, स्थापित किया जाता है। दीर्घायु का भी प्रतीक होते हैं। फेंग शुई विज्ञान के अनुसार ऊपर की ओर सूंड किए हुए हाथी को घर के मुख्य द्वार पर रखने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, सौभाग्य एवं सफलता बनी रहती है। वहीं नीचे की ओर सूंड किए हुए हाथी को मुख्य द्वार पर रखना दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। दाम्पत्य जीवन में भी इनसे प्रेम बढ़ता है। फेंग शुई के अनुसार यदि किसी दंपति में लड़ाई झगड़ा बना रहता है, तनाव रहता है, तो उन्हें अपने बेडरूम में फेंग शुई हाथी का जोड़ा जरूर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हाथी के जोड़े को बेडरूम में रखने से दंपत्ति, जो भी पति पत्नी या हस्बैंड वाइफ में प्यार बना रहता है, एक अच्छी रिलेशनशिप और हेल्दी रिलेशनशिप बनी रहती है। तो हाथी के जोड़े को भी आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आपको संतान प्राप्ति चाहिए, संतान के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, लाभदायी माना जाता है। संतान की कामना रखने वाले निसंतान दंपत्ति को हाथी का स्टैचू अपने बेडरूम में रखना चाहिए। फेंग शुई में 7 नंबर का संबंध संतान से माना गया, इसलिए जो भी दंपति संतान प्प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, यदि वे 7 हाथियों की स्टैचू को अपने शयन कक्ष में रखें तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी, अवश्य उन्हें लाभ होगा। तो आप इस तरीके से अपने बेडरूम में हाथी की स्टैचू को, 7 हाथी की स्टैचू को रख सकते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। यदि आपके मन में
मनोकामना है कि आपकी संतान नहीं है, आप संतान प्राप्ति के लिए ये सब करना चाहते हैं, तो आप ये अवश्य करके देखें, आपको निश्चित तौर पर ही संतान प्राप्ति होगी। ये बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। अब बात करते हैं बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने में भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, अच्छे होते हैं। फेंगशुई हाथी बौद्धिक क्षमता विकसित करने में भी कारगर माने जाते हैं। यदि आपका कोई बच्चा है, अगर वो इंटेलिजेंट नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि वो कमजोर है, बौद्धिक स्तर उसका कमजोर है, तो ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में प्रखर रहे, अच्छा बने, बुद्धिमान बने, तो आप अपने घर में या अपने बच्चों के बेडरूम में, स्टडी रूम में या स्टडी टेबल पर आप हाथी रख सकती हैं, हाथी की स्टैचू रख सकती हैं। हाथी के ऊपर मेंढक या बंदर अगर बैठा हो तो भी ये बहुत अच्छा माना जाता है, ये करियर में स्थायित्व लाता है और बच्चों की स्टडी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसे बताया गया है। तो आप अपने बच्चे के बेडरूम में या स्टडी रूम में भी ये रख सकते हैं, ये बच्चे की बुद्धि के लिए ज्ञान वर्धक है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया बना गया है, तो आप ये रख सकती हैं। इसके अलावा संतान संग संबंध होंगे मधुर आपके। यदि आपके बच्चों से आपकी लड़ाई होती रहती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे के साथ आपकी कन्वर्सेशन नहीं होती, कहीं ना कहीं आपका बच्चा आपसे दूर दूर रहता है, आपके बच्चे के साथ आपके संबंध है, रिलेशनशिप है, वो हेल्दी नहीं है, तो एक अच्छी हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बच्चों के साथ भी ये बहुत ही अच्छे माने गए हैं। माता हथनी और उसके शिशु की मूर्ति को घर में रखना माँ और बच्चों के बीच मधुर संबंध बनाए रखता है। हथनी और उसके शिशु की मूर्ति को शयन कक्ष में रखने से संतान के साथ बहुत ही ज्यादा रिश्ते अच्छे होते हैं। फेंगशुई के अनुसार जिस घर के बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, माँ माता पिता की बात नहीं मानते हैं, वो अपने घर में अगर हाथी का जोड़ा रखते हैं या हाथी रखते हैं, हाथी की स्टैचू रखते हैं, उनके बच्चे उनकी बहुत बात मानते हैं, आज्ञाकारी बच्चे होते हैं। तो अगर आप अपने घर में चाहती हैं कि आपके बच्चे आपकी बात माने, आपके बच्चों की रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहे, तो वो अपने घर में हाथी जरूर रखें, हाथी की स्टैचू जरूर रखें। इससे क्या होता है कि बच्चों के साथ माता पिता के रिश्ते बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं, मधुर बनती हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये मैंने आपको बताया हाथी की स्टैचू घर में रखने से कितने सारे फायदे होते हैं, अनगिनत फायदे होते हैं। तो आप भी अपने घर में हाथी की स्टैचू रखें, हाथी पे मेंढक बैठा हुआ हो या हाथी अपने बच्चे के साथ हो या हाथी का जोड़ा हो, ये हर तरीके से बहुत ही ज्यादा अच्छे रहते हैं आपके घर के लिए। तो आप भी अपने घर में हाथी का जोड़ा जरूर रखें, हाथी की स्टैचू जरूर रखें। तो प्यारे मित्रों, आपको दी हुई जानकारी कैसी लगी? यदि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं इसी तरह से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।